दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों केप टाउन के मैदान पर दूसरे दिन के मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच पर भारतीय गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के 8 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम के इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी कराई है। और वहीं गेंदबाजों के इस दमदार प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह मुकाबला दूसरे दिन से भी काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि दूसरे दिन के तीसरे सत्र का रोमांचक हाल क्या रहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से कौन है शानदार गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों केप टाउन के मैदान पर जोर से उभरते हुए भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को सही साबित करते हुए भारत के ओपनर बल्लेबाजों ने पहले आधे घंटे तक खतरनाक दिख रहे साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को खतरनाक तरीके से सामना किया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने पलटवार करते हुए भारतीय टीम को लगातार 2 झटके दे दिए। लेकिन उसके बाद कल पूरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली भारतीय पारी का आकर्षण रहे। आपको बता दें कि उन्होंने 201 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन 79 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 12 चौके और एक बेहतरीन छक्का भी लगाया और उनकी इस पारी की सराहना विश्व क्रिकेट में हर जगह हो रही है। और वहीं इसके बाद भारतीय टीम कल के दिन 223 रनों पर सिमट गई, लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका को पहला झटका देते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा। दोस्तों कल के दिन बराबरी पर छोटे मुकाबले में आज सुबह से ही दोनों टीमें आगे जाने के लिए जबरदस्त कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन तीसरे सत्र तक भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका से आगे कर दिया। और इसमें भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ ही साथ टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसमें उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को लगातार बनाए रखा और बीच बीच में वो तालियों के साथ अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। और आपको बता दें कि पहले सत्र की अपनी दूसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई। तो वहीं इसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके 25 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि इसके बाद वो इस मुकाबले में उमेश यादव ने उन्हें क्लीन बोल्ड करके भारत को तीसरी सफलता दिलाई, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बल्लेबाज रसिफ वेंडर हुसैन ने साउथ अफ्रीका के बेहतरीन युवा बल्लेबाज कीगन पीटरसन के साथ बेहतरीन साझेदारी की और लंच तक अपनी टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 100 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद दूसरे सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की और आपको बता दें कि दूसरे सत्र में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने एक सदी हुई शुरुआत की, लेकिन एक बार फिर से उमेश यादव ने खतरनाक दिख रहे वेंडर हुसैन को स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। वहीं इसके बाद साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज तेंबू बाउमा और कीगन पीटरसन ने एक बार फिर से साउथ अफ्रीकी पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला और इन दोनों ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। भारत के खतरनाक स्विंग गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने एक ही ओवर में साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को आउट करके पूरा मैच ही बदलकर रख दिया। और आपको बता दें कि इस ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने तेंबू बाउमा को स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर भारत को 5वीं सफलता दिलाई। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज काइली वेरने को उन्होंने बेहतरीन आउट स्विंग डालकर विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर साउथ अफ्रीका की टीम को 6वां झटका दे डाला। इसके बाद अगले 25 मिनट तक साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जेंसन ने कोई और विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने चाय से ठीक पहले उन्हें क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिलाई और मार्को जेंसन के साथ चल रही अपनी एक छोटी सी लड़ाई का बदला भी ले लिया। वहीं चाय के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज संभलने की कोशिश करते रहे और लेकिन उन्हें जसप्रीत बुमराह ने संभलने का मौका नहीं दिया और अपनी एक खतरनाक गेंद डालकर आज के बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले कीगन पीटरसन को भी विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। और वहीं तीसरे सत्र तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर केवल 182 रन है और वो अभी भी भारतीय टीम से 41 रन पीछे है। वहीं क्रीज पर साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कगिसो रबाडा और ओलिवर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 0 और 4 रन बनाए हैं। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों की जबरदस्त फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका टीम 200 रन के अंदर ही सिमट जाएगी और वहीं भारतीय टीम इस मुकाबले में एक अच्छी खासी बढ़त हासिल कर लेगी, जिसके बाद इस मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सपना पूरा कर लेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाला कौन सा गेंदबाज होगा, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ तीसरा और निर्णायक टेस्ट मैच केप टाउन के स्टेडियम में खेला जा रहा है और भारतीय टीम के कप्तान जो हनुमा विहारी के
जगह टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत की टीम में मोहम्मद सिराज नहीं खेल रहे हैं क्योंकि चोट के कारण उन्हें आराम दिया है। उनकी जगह उमेश यादव को मौका मिला है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम में कोई बदलाव नहीं है। तो वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल। और पहली ही ओवर में राहुल ने रबाड़ा के ओवर में तीसरी ही गेंद पर पहला चौका लगाकर रनों की शुरुआत की और छठवे ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने रबाड़ा को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं इसी ओवर में पांचवी गेंद पर मयंक ने ऑलिवर को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं भारतीय टीम को पहला झटका उप कप्तान के रूप में 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऑलिवर के हाथों लगा जिसमें राहुल ने 35 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन बनाए। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए और उन्होंने अपना पहला चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर ऑलिवर को जड़ा और मयंक अग्रवाल ने 35 गेंदों पर 15 रन तीन चौकों की मदद से बनाए और अपना विकेट रबाड़ा को दे दिया। और बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान विराट कोहली मैदान पर आए और उन्होंने अपना पहला चौका 19वें ओवर की पहली गेंद पर मार्को जॉनसन को जड़ा। तो वहीं दोनों खिलाड़ियों ने शानदार साझेदारी की और दूसरे सत्र के खेल प्रारंभ होने के बाद दोनों ही खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की जिसमें 35 ओवर की पहली गेंद पर पुजारा ने लेग साइड की तरफ एक शानदार चौका जड़ा और 38वां ओवर बड़ा ही कमाल का रहा जिसमें पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं तीसरी गेंद पर अपना विकेट भी गवाया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे और उन्होंने 38 ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और 41वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने रबाड़ा की गेंद पर अपना शानदार छक्का जड़ा और 43वें ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे अपना विकेट कगिस और रबाड़ा को दे बैठे। इन्होंने 12 गेंदों पर 9 रन दो चौकों की मदद से बनाए। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए और इन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर रबाड़ा को शानदार चौका जड़ा और दोनों ही खिलाड़ी ने मिलकर 25 रन की भी अभी तक साझेदारी कर ली। और चाय के बाद तीसरे सत्र के खेल के प्रारंभ होते ही तीसरे सत्र के पहले ओवर में ही कोहली ने लुंगी को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं 60वें ओवर की पांचवी गेंद पर ऑलिवर को एक शानदार चौका जड़कर अपना 28वां अर्धशतक विराट कोहली ने पूरा किया और इसके बाद 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने 50 गेंदों पर 27 रन चार चौकों की मदद से बनाकर अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे दिया और इसी ओवर में कोहली ने शानदार चौका जड़ा। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रविचंद्रन अश्विन 63वें ओवर की आखिरी गेंद पर 10 गेंदों में 2 रन बनाकर अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे दिया। तो वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने शार्दुल ठाकुर आए तो वहीं 65वें ओवर में मार्को जॉनसन को 2 चौके जड़ दिए और शार्दुल ठाकुर ने 67वें ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा को शानदार छक्का जड़ा और टीम का स्कोर 200 पार कर गया। तो वहीं 68 ओवर बहुत ही शानदार गुजरा जिसमें शार्दुल ठाकुर ने तीसरी गेंद पर केशव महाराज को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं अगली गेंद पर केशव महाराज ने शार्दुल ठाकुर से अपना बदला ले लिया जिसमें शार्दुल ठाकुर 9 गेंद खेलकर 12 रन एक चौके और एक छक्के की मदद से बनाकर आउट हो गया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और 73वें ओवर भी कुछ इस प्रकार ही घटा जिसके बाद पहली गेंद पर विराट कोहली ने रबाड़ा को शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पांचवी गेंद पर रबाड़ा ने जसप्रीत बुमराह को 9 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट किया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उमेश यादव आए और 73वें ओवर में एक तरफ सेट होकर खड़े विराट कोहली ने अपना विकेट तीसरी गेंद पर रबाड़ा को गवा दिया जिसमें विराट कोहली ने 201 गेंदों पर 79 रन 12 चौके और एक छक्के की मदद से बनाए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए और 74वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद शमी लुंगी का 20 गेंदों पर 7 रन एक चौके की मदद से बनाकर शिकार हो गए। तो वहीं उमेश यादव 4 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी की बदौलत भारतीय टीम पहली पारी में 223 रन पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम को आउट करने में सबसे बड़ा योगदान रबाड़ा का रहा। उन्होंने 4 विकेट लिए। तो वहीं मार्को जॉनसन ने 3 विकेट लिए और ऑलिवर केशव महाराज और लुंगी को एक एक विकेट मिला। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो 5वें ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान डीन एल्गर ने अपना विकेट 16 गेंद खेलकर 3 रन पर जसप्रीत बुमराह को दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज ने 6 रन और मार्करम ने 8 रन नाबाद बना दिया और साउथ अफ्रीका ने दिन के अंत तक 8 ओवर में 17 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो दूसरी ही गेंद पर बुमराह ने मार्करम को आउट कर दिया और मार्करम ने 8 रन एक चौके की मदद से बनाए थे। पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पीटरसन आए तो वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे केशव महाराज ने लगातार 3 ओवर में एक एक चौके जड़कर अपने रनों में बढ़ोतरी की और 16 ओवर में शमी की गेंद पर पीटरसन के 2 कैच भारतीय टीम ने छोड़ दिए जिसमें केशव महाराज ने 25 रन 4 चौकों की मदद से बनाकर अपना विकेट उमेश यादव को दे दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने वेंडर हुसैन आए और 40वें ओवर में अपना विकेट 21 रन बनाकर उमेश यादव को दे दिया। पर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज टेम्बू बवुमा आए और अभी दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं 41वें ओवर की पहली गेंद पीटरसन ने अपना दूसरा अर्धशतक जमाया और 42वें ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 120 रन 4 विकेट पर बना दिए। तो वहीं पीटरसन 52 रन पर नाबाद है और टेम्बू बवुमा 4 रन पर नाबाद है और साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे दिन के अंत तक 300 से कम रन पर ऑल आउट हो सकती है। दोस्तों केप टाउन का निर्णायक मुकाबला अब दूसरे दिन तक पहुंच चुका है जहां दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने अपने जबरदस्त फॉर्म को बरकरार रखते हुए भारतीय टीम के इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी कराई है। आपको बता दें कि आज के दिन के पहले सत्र अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एडन मार्कम को क्लीन बोल्ड करके भारत को दूसरी सफलता दिलाई। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि कल के दिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तब उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 223 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें कल पूरे दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पारी में 201 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की एक साहसिक पारी खेली जिसमें उन्होंने 14 चौके और एक बेहतरीन छक्का भी लगाया। वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कगिस रबाड़ा ने लिए। उन्होंने 4 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण विकेट कप्तान विराट कोहली का था। और वहीं उसके बाद जब साउथ अफ्रीका टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तब कल के आखिरी घंटों में जसप्रीत बुमराह ने पिछले मैच